माही मंदिर माही मस्जिद माही तीर्थ है, मेरा हाथ पकड़ लो माँ, मुझे तेरी जरूरत है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है और बहुत से लोगों ने व्रत रखा होगा, बहुत से लोग 9 दिन का पूरा रखते हैं, बहुत से लोग शुरू और लास्ट का रखते हैं। तो बहुत से लोगों ने रखा होगा और बहुत से लोग जो होते हैं ना, साल भर पूजा करें ना करें, लेकिन इस दिन इस टाइम पे नवरात्रि पे लोग कम से कम मंदिर में जाके माथा तो टेक ही देते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बहुत से लोग परमानेंट पूजा करते हैं, हमेशा करते हैं रोज़, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन दिनों में जनरली सबको ही पूजा कर ही लेता है। और दोस्तों इन 9 दिनों के अंदर हम क्या करते हैं, मात शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हैं और वो 9 रूप हमारे जीवन से ही जुड़े होते हैं। और वो जो 9 रूपों की हम पूजा करते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे आसपास भी आसपास ही होते हैं। जैसे हम माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, भाभी के रूप में, ये सब हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हम कई बार उनको ध्यान नहीं दे पाते। नवरात्रि में 9 दिन पूजा हम इसलिए कर लेते हैं कि नवरात्रि है, हमें माँ से ये मांगना है, वो मांगना है, जो भी जिसकी इच्छाएँ होती हैं, जो भी उनके दिल में होता है कि हमें ये चाहिए या हम ये कर लें, हम इसमें सफल हो जाएँ वो। लेकिन हमारे आसपास भी मात शक्ति होती है, पर हम उसको कभी ध्यान नहीं दे पाते। तो दोस्तों आप 9 दिन नवरात्रि की पूजा कीजिए, लेकिन साथ साथ जो आपके आसपास माताएं बहनें आपकी जो भी हैं उनको भी आप ध्यान दीजिए, वही रिस्पेक्ट वही सम्मान दीजिए जो वो डिज़र्व करती हैं, चाहे आपकी अपनी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, सबको। और दोस्तों मातृशक्ति मतलब माँ की शक्ति, माँ की शक्ति के बारे में सब जानते हैं कि माँ का कोई विकल्प नहीं होता, माँ विकल्पहीन होती है, कोई ऑप्शन ही नहीं होता माँ का। माँ का ऑप्शन या माँ का विकल्प खुद माँ ही होती है दोस्तों। और ये सब हम अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसको देखते भी हैं। और आप जब बचपन से लेकर बड़े तक माँ के अपने बहुत से रूप देखते होंगे कि जब घर में खुशियाँ होती हैं तो कैसा होता है, अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई तो कैसा होता है, कुछ भी हो, लेकिन माँ आपसे अपनी तकलीफ कभी नहीं कहती। कितनी भी तकलीफ में, दुख में हो, लेकिन वो आपसे अपनी तकलीफ कभी नहीं कहती। और दोस्तों वही जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा अपना समय आता है, तो शायद हम माँ को वो रिस्पेक्ट या वो चीज़ नहीं दे पाते जो हमें देनी चाहिए। दोस्तों बहुत से लोग नवरात्रि पे बहुत दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाके भोजन खिलाते हैं, लेकिन वही अपने माँ बाप को दूसरे के सहारे छोड़ देते हैं। और दोस्तों ये आप समाज में देखते होगे और ये भी देखते होगे कि समाज में ये जो वृद्धाश्रम आजकल चल रहे हैं ना, ये पहले तो नहीं होते थे, या पहले होते भी थे तो बहुत कम, मतलब गिने चुने मिलते थे, लेकिन आज इनकी संख्या क्यों बढ़ रही है समाज में? शायद इसका एक कारण यही है कि एक माँ बाप चार चार बच्चे पाल देता है, लेकिन वो चार बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते, तो उसका विकल्प लाया गया, क्योंकि आजकल समाज में हर चीज़ का विकल्प मौजूद है। आप माँ बाप को नहीं रख सकते तो वृद्धाश्रम है, आप वहाँ छोड़ाओ, वहाँ रख दो। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि वो भी भरे हैं, आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको जल्दी से जगह नहीं मिलती। पर आप ये सोचते होंगे कि नहीं यार, हमारे माँ बाप तो हमारे साथ रहते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं तब भी लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन दोस्तों हैं तो इसी समाज के लोग, इसी समाज के लोग हैं जो वहाँ पे जिनके माँ बाप रहते हैं। और दोस्तों होता क्या ना, जो समाज का निम्न तबका होता है वो भी अपने माँ बाप को कैसे भी करे बर्दाश्त कर लेता है, या जो मिडिल क्लास होता है तो समाज का तो ठेका ही मिडिल क्लास ने ले रखा है, कुछ भी होगा तो समाज क्या कहेगा, समाज क्या करेगा, इसकी सारी जिम्मेदारियाँ समाज की मिडिल क्लास के पास होती हैं। लेकिन जो थोड़ा अपर क्लास होता है, मिडिल क्लास से जो अपर क्लास होता है, ये प्रॉब्लम उसके साथ ज़्यादा होती है। होता क्या है कि वो मिडिल क्लास से अपर क्लास में जा रहा होता है और पूरी तरह से अपर क्लास बन नहीं पाता है, तो इन लोगों के साथ समस्या क्या होती है ना, लोग दिखावे के चक्कर में लोगों को लगता है कि बूढ़े माँ बाप हमारे घर में कहाँ रहेंगे, हमारे घर की शोभा ख़राब करते हैं, या हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कहीं घूमने जाना है, कुछ करना है, तब इनके चक्कर में हम जा नहीं पाते, तो लोग क्या करते हैं, ऐसा विकल्प उनके लिए अनाथ आश्रम होते हैं कि माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ दो। और आए दिन आप ऐसी घटनाएं देखते रहते होंगे, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे, बहुत सी समस्याएं आती हैं। और कई बार तो बेटा अपने माँ
माँ को आपने देखा होगा स्टेशन पे छोड़ के चला जाता है, कहीं छोड़ के चला जाता है कि लौट के घर नहीं आ पाएगी। तो ये हमारे समाज की हकीकत है दोस्तों, कि हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन कहते नहीं, इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो इंसान की कभी बदलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि समाज में जो होता है ना, कि लोग कहते हैं कि बहू अपने सास ससुर के साथ गलत करती है, बहू तो करती है, इससे ज़्यादा बेटा करता है। अब बेटा अपने मन से करता है या बहू के कहने से करता है, जो भी है, लेकिन आप अगर बेटे हो तो आपके माँ बाप ने आपको पाला है, जो परिस्थितियाँ अच्छी बुरी देखी आपने देखी, उन्होंने आपके लिए किया, तो आपको समझ आता है। ठीक है, आपकी पत्नी अगर आपको बोलती है कि नहीं आप, मैं माँ बाप का नहीं कर सकती, नहीं उनको रख सकती, ये है वो है, तो आप उनको अनाथ आश्रम छोड़ाओ या वृद्धाश्रम छोड़ाओ, तो आप क्यों छोड़ाओगे भाई? आप बोलो ना कि आप नहीं कर सकती, मैं तो हूँ, उन्होंने मेरे लिए किया, अब मेरा समय है। तो दोस्तों ये समाज ऐसे ही चलता है ना, कि आज कोई हमारे लिए कर रहा है, कल हम किसी के लिए करेंगे तो कोई हमारे लिए करेगा। हर चीज़ कोई इंसान शुरू से लेकर आखिरी तक खुद का नहीं कर पाता। जब बच्चा होता है तो माँ बाप करते हैं, जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चे करते हैं, ये समाज की परंपरा है, यही करते हैं। लेकिन लोग, मतलब आपने न्यूज़ में भी देखते होंगे, सब जगह देखते होंगे कि ये सब घटनाएं होती हैं, कि पता चला लोग अगर वृद्धाश्रम में उनके माता पिता रहते भी हैं ना, तो लोग मिलने जाने तो छोड़ो, लोग पैसा भेज देते हैं आश्रम में, क्योंकि कुछ बहुत खर्चा देना पड़ता है, भेज देते हैं। अगर डेथ भी हो गई, घर वालों को सूचना दी जाती है, तो लोग बोलते हैं कि आप वहीं पर उनका दाह संस्कार कर दो, हम, हमारे घर पे टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं आ सकते। तो ये समाज की हकीकत है दोस्तों। तो आप मातृशक्ति को कमज़ोर मत माने, या मातृशक्ति जो आपके आसपास है आप उसका रिस्पेक्ट करें, उसका सम्मान करें। आप कहते नहीं कि हम पत्थर को पूजते हैं, पूजते पूजते उसमें हमें भगवान नज़र आने लगते हैं, लेकिन इंसान अपने साथ रहते हुए इंसान की कद्र नहीं कर पाता। उन्हीं माँ बाप के लिए कई बार क्या होता है ना, जब जिंदा होते हैं तो हमें उन्हें दो वक्त की रोटी शांति से नहीं दे पाते, लेकिन मरने के बाद दुनिया भर के जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं वो हम बड़े धूमधाम से करते हैं, उसके पीछे खूब खर्च करते हैं। तो वही होता है ना कि दोस्तों, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो आप मत करो, लेकिन जब वो जिंदा है तब उनको संतुष्टि दो, कि उन्हें ये लगे कि नहीं कि आज हमारे पास हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, तो वो हमारे लिए कर रहे हैं। उनको ये सब चीज़ें महसूस होनी चाहिए, उनको खुशी मिलनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, पर समाज में शायद है नहीं। और आप देख रहे होगे कि इस समय समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है, समाज में बहुत सी चीज़ें नई नई आ रही हैं और हो रहा है, मतलब जिसको कहते हैं ना परिवर्तन, और इतना जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं, कि बहुत से परिवर्तन तो इतनी जल्दी हो जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। बहुत सी परंपराएं, मतलब 20-25 साल में बहुत सी परंपराएं, रीति रिवाज ऐसे बदल गए कि जो पहले नहीं होते थे या जो अच्छे नहीं माने जाते थे, आज वही होते हैं और सब लोग करते हैं। तो अब समाज में बदलाव ज़रूरी है, कहते हैं ना समाज हो या कुछ भी हो, हर चीज़ बदलती है, बदलना ज़रूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनमें बदलाव हो लेकिन वो अच्छे के लिए हो, वो ऐसा ना हो कि उसके निगेटिव परिणाम आने लगें। तो दोस्तों मातृशक्ति के लिए, और आपने देखा होगा कहते हैं ना कि जितना दर्द सहकर एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, उतने में एक मर्द की जान निकल जाती है। तो आप समझ सकते होगे। और दोस्तों अगर आपकी बेटी है तो कहते हैं ना, बेटी को आप चांद का टुकड़ा मत बनाइए, चांद बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सूरज बनाइए, ताकि लोग देखते ही उसके ताप से लोगों की नज़रें अपने आप झुक जाएं। तो इसलिए दोस्तों आपको ये जो समय है बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, आप भी देख रहे होगे, हम भी देखते हैं, तो उन पे हमें सोचने की ज़रूरत है, उन पे काम करने की ज़रूरत है कि क्या ये सही है क्या गलत। इतना तो हम सोच ही सकते हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता तो होती है कि समाज में क्या सही क्या गलत। और दोस्तों कहते नहीं कि आज आप जो बोओगे कल वही काटोगे। अगर आप ये सोचते हो कि हम अपने माँ बाप के साथ नहीं करेंगे तो कल को हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे, हम उनको बहुत अच्छे से रखते हैं, उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, तो दोस्तों आप ये सोचो कि जब आप बच्चे थे तो उन माँ बाप ने भी आपके लिए यही किया था, लेकिन क्या आप आज वो कर पा रहे हैं उनके लिए? नहीं कर पा रहे ना, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि मेरे बच्चे करेंगे? और दूसरी चीज़ दोस्तों, बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, जो देखते हैं बच्चे वही करते हैं, इसलिए आप अपने बच्चों के लिए वो उदाहरण पेश करो, ताकि कल को अगर जब आपका वक्त आए ये, तो
वो आपकी केयर, आपकी देखभाल कर सकें दोस्तों। इसलिए इस मातृशक्ति के जो 9 दिन हैं, जो 9 रूप हैं जिनकी हम पूजा करते हैं जिस ना, तो उनका उपयोग आप पूजा में करिए, भक्ति में करिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचिए कि ये हमारे आसपास ही हैं, तो हम उनका भी ध्यान रखें, उनका भी ख्याल रखें। और कोई चीज़ दोस्तों क्या होता है ना, जब समय आता है तो हम उसमें बिल्कुल डूब जाते हैं। जैसे ही समय गया तो उस दिन, उसके बाद उस चीज़ हमारे दिल दिमाग से निकलने लगती है। तो आप उसको ऐसे मत करिए, आप उसको हमेशा अपने साथ रखिए, अपने मन में रखिए, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है दोस्तों इस दुनिया में। हर रिश्ता ज़रूरी है, चाहे जो हो। और सबसे बड़ी बात होती है ना, जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपके मन को शांति मिलती है। आप अपने मन को कह सकते हो कि नहीं, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मेरे माँ बाप ने किया। जैसी भी व्यवस्था है आपके साथ, आप वैसा करिए, और ज़रूरी भी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो मातृशक्ति के 9 दिन हैं, आप इनको एंजॉय करिए और समाज में पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छा बदलाव लाइए, जो कि अच्छा है, क्योंकि समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव अच्छे हैं और कुछ बदलाव नहीं अच्छे, क्योंकि हर चीज़ के साथ अच्छाई बुराई जुड़ी होती है। तो कुछ बदलाव तो अच्छे हैं जो होने चाहिए, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं कि जो बदलाव हों पर शायद इतना नहीं कि आज के समय में जैसे रिश्तों की महत्ता बहुत कम होती जा रही है। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन रिश्तों का महत्व तो नहीं रह गया। तो वही है दोस्तों, पहले रिश्तों का महत्व होता था, अब नहीं रह गया। बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, तो आप भी बदलिए, पर इतना बदलिए कि जो चीज़ जैसी है या होनी चाहिए वो वैसी ही रहे, बहुत ज़्यादा ना बदले। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, और आप इसके बारे में सोचना ज़रूर दोस्तों। मैं नहीं कहती कि मैंने जो कहा वो सही हो, बहुत सी चीज़ें नहीं होती, बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर समाज में ज़्यादातर देखा गया है और होता है कि हम दूसरे को ज्ञान तो देते हैं, पर कई बार हम खुद ही नहीं उस चीज़ को अप्लाई कर पाते, उस पर नहीं सोच पाते, नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें हमें खुद को सोचनी चाहिए, और कि क्या सही है क्या नहीं, और क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये चीज़ें हमें ही सोचनी पड़ेंगी। और कहते ना, कोई चीज़ कभी बेकार नहीं होती है, हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है, और जो चीज़ जितनी पुरानी होती है उसकी कीमत ही उतनी ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सभी को वंस अगेन नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।